हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑफिशियल का। दोस्तों, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, कहीं अचानक से आप पेशाब करने जाते हैं, यूरिनेट करने जाते हैं, तो अचानक से कभी कभी आपके बॉडी में पेन होना शुरू हो जाती है। आप जब पेशाब करते हैं तो आपके पेशाब में चिलकन होती है, जलन सी महसूस होती है पेशाब करने के टाइम। ये जो समस्या देखने को मिलती है अक्सर आपके बॉडी में जब पानी की कमी हो जाती है, फ्लूड की कमी हो जाती है, तो आपका जो यूरिन होता है, यूरिन का पीएच लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, यानी कि एसिडिक मीडियम में होने लगता है आपका यूरिन। तो ऐसे कंडीशन में आपके बॉडी में या आप पेशाब करने जाते हैं तो चिलकन होती है, दर्द होती है, क्योंकि आपके बॉडी में जो फ्लूड जो होते हैं उनमें एसिड की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, इन्हीं समस्याओं को देखते हुए आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूं एल्कासॉल सिरप के बारे में। दोस्तों, एल्कासॉल सिरप बहुत ही फेमस सिरप है, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, बहुत से लोग इसका यूज भी कर चुके हैं। दोस्तों, एल्कासॉल सिरप के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज मिलने वाली है, इसके क्या बेनिफिट होते हैं, कैसे इसको यूज करना होता है और इस सिरप की क्या खासियत होती है, किस किस कंडीशन में इसका क्या बेनिफिट होता है। चलिए दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और बात करते हैं एल्कासॉल सिरप के बारे में। दोस्तों, एल्कासॉल सिरप जो होती है ये 100 ml की क्वांटिटी में आती है, आसानी से इजीली आपको मार्केट में मिल जाती है। ये 100 ml की जो क्वांटिटी होती है आपको 90 या 80 या 100 रुपए में आसानी से इजीली अवेलेबल हो जाती है। बात करें इसके सॉल्ट के बारे में तो इसमें डाई सोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट होती है, जो कि हर 5 ml में 1.4 ग्राम डाई सोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट पाई जाती है। बात करें इसके बेनिफिट के बारे में तो ये एक एल्केलाइजर की तरह काम करती है। एल्केलाइजर क्या होता है, यानी कि आपके फ्लूड यानी कि बॉडी जो होता है आपके आपके बॉडी में जब एसिडोसिस बढ़ जाती है, यानी कि एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है, आपका जो यूरिन का पीएच होता है वो घटने लगता है, आपका यूरिन एसिडिक मीडियम होने लगता है, तो ऐसी कंडीशन में आप पेशाब करते हैं तो चिलकन होती है, जलन होती है। ट्यूबुलर एसिडोसिस में इसका यूज किया जाता है। ट्यूबुलर एसिडोसिस क्या होती है, जहां आपका यूरिन फिल्टर होता है, यूरिन पेशाब जहां आपका फिल्टर होता है किडनी के अंदर, तो वहां एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है जिसकी वजह से आपको चिलकन दर्द होती है, तो ऐसी कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। इसके यूज करने से आपकी चिलकन दर्द और एसिड की जो मात्रा होती है वो कम होने लगती है और ठीक होने लगती है। जैसे दोस्तों, अगर आपके जोड़ों में पेन होता है, यानी कि गाउट की जब समस्या होती है, जब आपको गाउट का अटैक हो जाता है, गाउट के कंडीशन में क्या होता है, आपके बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है, यानी कि आपके खून में यूरिक एसिड बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से जब ज्यादा मात्रा में यूरिक एसिड आपके बॉडी में बढ़ जाती है तो यही यूरिक एसिड जो होते हैं ये क्रिस्टल एक निडिल फॉर्म की तरह क्रिस्टल की तरह आपके जोड़ों में ज्वाइंट होने लगते हैं, डिपोजिट होने लगते हैं। जैसे ये आपके हाथों का ज्वाइंट हो गया, ठीक है, या आपके घुटनों का या आपके कमर का ज्वाइंट होगा, वहां जाके ये डिपोजिट होने लगते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पेन होता है। आप उठते बैठते हैं अचानक से पेन होता है, रेडनेस हो जाती है, वहां स्वेलिंग हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में इस एल्कासॉल सिरप का यूज करते हैं तो ये आपके यूरिन के थ्रू जो यूरिक एसिड होती है उसको बाहर निकालने का काम करता है, जिसकी वजह से आपके जोड़ों में पेन या यूरिक एसिड की जो दर्द होती है, समस्या होती है, उससे राहत ये देती है। दोस्तों, इसका तीसरा बेनिफिट होता है किडनी स्टोन में इसका यूज किया जाता है, यानी अगर आपके गुर्दे में पथरी हो जाती है, किडनी स्टोन की समस्या हो जाती है, नॉर्मल साइज की किडनी स्टोन रहती है, छोटी साइज की स्टोन रहती है, पथरी रहती है, तो इसको नॉर्मली निकालने का काम करता है, क्योंकि दोस्तों इसके यूज करने से आपको बार बार फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होने लगती है, यानी कि बार बार पेशाब होने लगती है, और जो स्टोन होती है उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में तोड़कर ये बाहर निकालने का काम करती है, यानी कि यूरिन के थ्रू बाहर निकालने का काम करती है, जिसकी वजह से आपको किडनी स्टोन से राहत मिलती है। अगर आप एक महीने 15 दिन 20 दिन तक रेगुलर यूज करते हैं तो इससे आपको जरूर राहत मिलती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं एल्कासॉल सॉल्यूशन जो होती है इसके डोज के बारे में, यानी कि इसको कैसे पीना है, कैसे इसको यूज करना है। आप दिन में 2 से 3 बार इसका यूज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक ढक्कन यानी कि 10 ml या 5 ml आपको एल्कासॉल सॉल्यूशन लेना है और एक गिलास पानी लेना है, उसमें इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपको सुबह दोपहर और शाम रेगुलर यूज करना है। शो दोस्तों, कैसी रही आज की वीडियो एल्कासॉल सॉल्यूशन यानी कि सिरप के बारे में। उम्मीद करता हूं कि वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर नॉलेज मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, टेक केयर, बाय।